अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, आप खुश रहें, आबाद रहें। तो सबसे पहले जो मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। तो आज ही मैंने रखे हैं ये कपड़े, कुछ मैंने कटिंग कर ली हैं, कुछ अभी करने हैं। तो ये गर्मियों के कपड़े हैं, तो गर्मी है तो साथ भी ईद भी चला लेंगे, क्योंकि गर्मी में फिर और रेशमी तो पहने नहीं जाते, तो लॉन के ही होते हैं। तो ये आप लोगों से शेयर कर रही थी कि ये कपड़े हैं ईद के लिए, कुछ मैंने कटिंग की है ये, तो और अभी कटिंग करने हैं। तो इस्त्री ख़राब हो गई है, तो अब इस्त्री जो है ठीक होकर आएगी तो फिर मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि इस्त्री के बगैर अगर मैं कटिंग करूँगी तो फिर वो लॉन काटन के जो होते हैं कपड़े, फिर वो अच्छी से कटिंग नहीं होती जब तक प्रेस न करके कटिंग करें। तो ये एक फ्रॉक है, ये एक शर्ट है, और ये सादा है, साथ इसके बाजू बनाने हैं, और ये एक है लॉन का पीस, और बाकी ये हैं, एक ये है। ये बहुत ही मुलायम से हैं, ये वाले कपड़े मुझे बहुत ही पसंद है गर्मियों के लिहाज से, नरम मुलायम से हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने आगे शेयर करनी है, लाइक करने हैं, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो जो कपड़े ईद के बना रहे हैं या बना चुके हैं गर्मियों की ईद के, तो यही होता है कि छोटी ईद पे ज़्यादा बनाए जाते हैं कपड़े, और बड़ी ईद पे फिर ज़्यादातर तो यही सुना हुआ है कि वही पहने जाते हैं। तो गर्मी के लिहाज से यह होता है कि गर्मियों के जो कपड़े होते हैं वो जल्दी फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो फिर बनाने पड़ते हैं। तो जिस को अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए या कोई बात पूछना चाहते हैं तो आपने कमेंट्स बॉक्स में पूछनी है, बतानी है, शेयर करनी है अपनी बातें मेरे साथ। तो छोटी सी वीडियो मेरी होती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग ताकि मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाया करें। और आज की वीडियो जो है यहीं तक है, छोटी सी है, तो इंशाल्लाह ताला कल अच्छी वीडियो के साथ नए दिन का आगाज़ भी करेंगे और गपशप भी करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।